नमस्कार मेरे भाई दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? फिलहाल आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों ये है कैल्शियम कार्बाइड और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो इससे एक गैस निकलता है, एसिटिलीन गैस, और उसमें जब आग लगाते हैं तो साउंड के साथ जलता है, काफ़ी कमाल का साउंड भी उससे निकलता है। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये शैम्पू है, शैम्पू को पहले किसी बर्तन में डाल के इसको घोल लेंगे, उसके बाद इसको डालेंगे और फिर देखते हैं क्या कमाल का रिएक्शन करता है दोनों के बीच, शैम्पू और कैल्शियम कार्बाइड के बीच क्या रिएक्शन होता है और कैसा नज़ारा दिखता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले इस बर्तन में थोड़ा शैम्पू को घोल लेते हैं। तो दोस्तों इतना शैम्पू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा घोल लेते हैं और अब इसमें डालेंगे कैल्शियम कार्बाइड का। इसमें अब थोड़ा सा इस कैल्शियम कार्बाइड को इसके इसमें डालते हैं, देखिए। तो दोस्तों जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड इसमें डालें रिएक्शन शुरू हो चुका है। एक टुकड़ा और इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का झाग बनना शुरू हो गया है जब कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा इसमें डालें तो, काफ़ी कमाल का झाग इससे निकल रहा है। और अब इसमें थोड़ा आग लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है, अभी और झाग इससे अब निकलेगा। अभी तो दोस्तों देखा आपने कैसा कमाल का साउंड इससे निकलता है जब इसमें आग लगाते हैं, काफ़ी कमाल। फिर इसमें आग लगाते हैं, या दोस्तों ये बादल की तरफ बन चुका है, काफ़ी कमाल का ये दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा करने की कोशिश आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। आप देख सकते हैं जब काफ़ी कमाल का ये बादल की तरफ बन चुका है और इसमें जब आग लगाते हैं तो ये इससे साउंड के साथ ही चलता है, काफ़ी कमाल का साउंड निकलता है। हिलाना दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह बादल की तरह बन चुका है और इससे काफ़ी कमाल का झाग भी निकल रहा है। हटना थोड़ा, हटन हटन दोस्तों। फिर इसमें आग लगाते हैं, दोस्तों ये आग इससे जो एसिटिलीन गैस निकल रहा है इसकी वजह से लगता है। एसिटिलीन गैस जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हैं तो इससे एसिटिलीन गैस बनता है और ये जलता है। एसिटिलीन गैस ज्वलनशील गैस होता है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अब खत्म हो गया, छोड़ दो, आज हटो हटो हटो। हे भाई, वाह वाह मजा आ गया। तो दोस्तों अब इससे गैस निकलना कम हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी इससे गैस निकल रहा है। आप देख सकते हैं इससे बुलबुला अभी भी निकल रहा है और ये पूरी तरफ बादल की तरफ बन चुका है, काफ़ी कमाल का रिएक्शन होता है ये। ओह
ओ भाई दोस्तों आप देख सकते हैं ये किस तरह से जल रहा है। वाह वाह मजा आ गया सच में। जब तक इससे गैस निकलता रहेगा तब तक ये जलता रहेगा। वाह दोस्तों ये काफी कमाल का चीज देखने को मिल रहा है। रुक रुक फिर से लगाते हैं। वाह वाह मजा आ गया सच में। वाह 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 पूरा जलाएंगे जिसको। दोस्तों अब शायद इसका कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह से गल चुका है और इसका गैस निकलना अब बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इधर से गैस अभी भी निकल रहा है। फिर इसमें आग लगाते हैं। अब शायद इसका पावर खत्म हो चुका है। वाह अभी भी निकल रहा है यार, अभी भी इसमें है। तो दोस्तों इसका पावर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इससे गैस निकलना बंद हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ये झाग पूरी बादल की तरफ बन चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ऐसा गलती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों आपने देखा अभी कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड को शैम्पू में डालते हैं इस तरह से तो किस तरह का रिएक्शन होता है, पहले किस तरह का झाग निकलता है और जब उसमें माचिस से आग लगाते हैं तो काफ़ी कमाल का आग उसमें लगता है और उससे साउंड जो निकलता है साउंड के साथ जलता है ये आग। जो झाग बना ये काफ़ी कमाल का झाग है, आप देख सकते हैं ये पूरी बर्तन को ही काला कर दिया, इसको साफ करना पड़ेगा फिलहाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था, लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा गलती करने की कोशिश बिल्कुल ही मत कीजिएगा। कहीं पर भी इस तरह का करने की कोशिश सोचिएगा भी मत, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने अभी देखा कि जब उसमें हम आग लगाएं तो किस तरह से अचानक वो आग जल उठता है और साउंड के साथ जलता है, तो आप ऐसा गलती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन ये वीडियो ये रिएक्शन काफ़ी कमाल का रिएक्शन था, जब कैल्शियम कार्बाइड को शैम्पू के साथ रिएक्ट करवा उसमें डालते हैं और रिएक्शन करता है तो काफ़ी कमाल का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों बस यही था वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी दिल से लव यू गाइज, आप सभी को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।